रेलवे की ओर से इस बैठक में सभी गणमान्य अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले डेढ़ वर्ष पूरी दुनिया के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहे हैं। स्वयं कोरोना संक्रमण के उभार और उसकी लहरों के चलते अनेक कठिनाइयां और परेशानियां सामने आई हैं। इस मुश्किल वक्त में रेलवे राष्ट्र की जीवन रेखा के रूप में एक बड़ी भूमिका निभाती रही है। उत्तर रेलवे भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने 5 मंडलों अम्बाला, फिरोजपुर, दिल्ली, लखनऊ और मुरादाबाद के माध्यम से सेवाएं प्रदान करता है। हमेशा की तरह कोरोना काल के दौरान भी उत्तर रेलवे ने राष्ट्र के प्रति अपने को स्वयं सेवा में समर्पित किया और यह दायित्व हमारे ऊपर था कि सबसे पहले खाद्यान्न और अन्य मूलभूत वस्तुओं का लगान पूरे देश में सुनिश्चित करें, फंसे हुए यात्रियों और प्रवासियों को श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाएं। साथ ही साथ कोरोना बीमारी के दूसरे फेज में तरल मेडिकल ऑक्सीजन के शीघ्रता से लगान की जिम्मेदारी भी निभाई। हमने अपनी एसेट्स का नवीनतम रूप से उपयोग करते हुए कोविड केयर की तात्कालिक जरूरतों को पूरा किया। उत्तर रेलवे ने अपने रेल डिब्बों को कोरोना रोगियों के आइसोलेशन वार्ड में बदलने का कार्य करके देश में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूती प्रदान करी। प्रत्येक कोच में कोविड केयर टीम के दौरान फंसे हुए लोगों, विशेषकर प्रवासियों को उनके घरों तक सुविधाजनक रूप से पहुंचाने के लिए उत्तर रेलवे ने राज्य सरकारों के साथ सामंजस्य स्थापित करके मई से जुलाई 2020 के बीच 917 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से लगभग 13.5 लाख यात्रियों का आवागमन सुनिश्चित किया। घर लौटने वाले प्रवासियों और प्रभावित ग्रामीण आबादी को उनकी आजीविका में सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तर रेलवे ने उत्तर प्रदेश राज्य के 9 जिलों में चल रही अनेक परियोजनाओं के जरिए उन्हें रोजगार दिया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रेलवे ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को उसके निर्माण स्थलों से देश के विभिन्न भागों तक तीव्रता से पहुंचाया और उत्तर रेलवे ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों तक क्रायोजेनिक टैंक और रोल ऑन कंटेनर के द्वारा 14,403 टन ऑक्सीजन ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ले जाने के लिए कुल 858 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया। इस प्रकार भारतीय रेल द्वारा किए गए कुल लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के यातायात का लगभग 50% उत्तर रेलवे द्वारा किया गया। मुख्यालय और मंडल स्तरों पर मल्टी मॉडल मालभाड़ा व्यापार विकास यूनिटों की स्थापना की गई है और उत्तर रेलवे पर 44 माल गोदामों को तैयार किया जा रहा है। विश्व के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को में सहयोग देते हुए और उत्तर रेलवे ने विभिन्न राज्यों को पिछले वर्ष रिकॉर्ड 30 मिलियन टन खाद्यान्न का लगान प्रदान किया और इस वर्ष भी उसी गति से खाद्यान्न का लगान चल रहा है। उत्तर रेलवे के लिए यह गर्व और सम्मान की बात है कि हमने भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की 2 रेल यात्राओं की मेजबानी करी, जिसमें पहली यात्रा नई दिल्ली से उनके गृहनगर कानपुर के लिए और दूसरी यात्रा लखनऊ से अयोध्या और वापसी की रही। इस उद्देश्य के लिए विशेष रेलगाड़ियों को तैयार किया गया था। मार्च 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन के बाद उत्तर रेलवे अपनी माननीय प्रधानमंत्री ने गुजरात में नवनिर्मित केवड़िया रेलवे स्टेशन के लिए हजरत निजामुद्दीन और वाराणसी से रेल सेवाओं का उद्घाटन किया। इससे देश के उत्तरी भागों से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आने वाले यात्रियों का आवागमन सुनिश्चित होगा। हाल ही में दीपावली तथा छठ त्योहार के दौरान 29-10-21 से 10-11-21 के बीच 87 अतिरिक्त त्योहार स्पेशल संचालित की गई और 124 अतिरिक्त कोच भी लगाए गए।